गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बच्चे आइए आज हम आपके सिलेबस की न्यू पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। ये पेंटिंग आपकी बंगाल स्कूल से बिलोंग्स करती है और स्क्रीन पर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये इसी पेंटिंग के बारे में हमने पढ़ना है, समझना है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चे, आइए हम इसके की पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेम रासलीला, यानी कि इस जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग का जो टाइटल है वह रासलीला है। आगे देखिए कुछ लिखा है, ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द एपिसोड ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। और बच्चे जो रासलीला है, जो ये पेंटिंग है, वह जो कृष्णा भगवान हैं उनके एक ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन एपिसोड पर बेस्ड है, ठीक है। आगे देखिए, जो इस पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं उनका नाम है कशितेंद्र नाथ मजूमदार। और जो मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, यानी यह पेंटिंग जल रंगों से वाटर कलर से पेपर के ऊपर बनाई गई है। सिरिका यानी टाइम पीरियड 1926 AD, 1926 में ये पेंटिंग बनाई गई है। पीरियड मॉडर्न, टेक्निक टेम्परा एंड वॉश, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी कि नगमा न्यू दिल्ली। और बच्चे बंगाल स्कूल की जितनी भी पेंटिंग है वो सभी टेम्परा एंड वॉश टेक्निक में बनाई गई हैं। आइए बच्चे अब हम इस पेंटिंग का अच्छे से डिस्क्रिप्शन समझते हैं और पढ़ते हैं। शितेंद्र नाथ मजूमदार मेड दिस पिक्चर बाय टेम्परा एंड वॉश टेक्निक ऑफ वाटर कलर ऑन पेपर इन द स्टाइल ऑफ बंगाल आर्ट इन 1926। बताया है कि जो शितेंद्र नाथ मजूमदार हैं उन्होंने इस पेंटिंग को वॉश एंड टेम्परा टेक्निक के द्वारा बंगाल आर्ट, यानी कि जो बंगाल स्कूल में जो टेक्निक यूज होती थी, जो स्टाइल यूज होता था, उसके द्वारा बनाया गया है 1926 में। इन दिस पिक्चर, इस चित्र में ही हैड शोन लिव्ड कृष्णा डूइंग रासलीला विद गोपीज। और इस चित्र में आप देख सकते हैं जो कृष्णा है उसका कलर डार्क, यानी कि डार्क ब्लू दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन। जो डार्क ब्लू कृष्णा है उसको गोपियों के साथ रासलीला करते हुए दिखाया गया है। ही हैड शोन 12 गोपीज, और इस चित्र में जो आर्टिस्ट है उसने 12 गोपीज का डिलिनिएशन यानी चित्रण किया गया है, 12 गोपीज को दिखाया गया है इन मल्टी कलर्ड कस्टम्स। और उसको जो मल्टी कलर्ड उन्होंने जो कपड़े पहने हैं, जो ऑर्नामेंट्स पहने हैं, उसके अकॉर्डिंग उन जो गोपीज हैं उनको मल्टी कलर्ड कस्टम्स में फुली ऑर्नामेंटेड इन वेरियस टेम्परामेंट डांसिंग अराउंड कृष्णा। और वेरियस टेम्परामेंट का मतलब है विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में इनकी, देखिए आप जब ये डांस कर रहे हैं तो अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग मुद्रा है, उनको विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में कृष्णा के चारों तरफ नाचते और गाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, द प्लीजेंट फीलिंग ऑन देयर फेस इज अपियरिंग स्पोटनोसली। और जो उनकी प्लीजेंट फीलिंग है, जो मनमोहक भावनाएं हैं, उनके चेहरे पर हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन हेयर ऑफ ऑल द गोपीज आर स्टक ब्राइड मेड ऑफ फ्लावर। और जो गोपीज हैं, जो सभी गोपीज हैं उनके जो हेयर हैं वो ऊपर की तरफ, सर के ऊपर की तरफ एक जूड़े में बंधी हुई हैं जो कि फ्लावर से बनाया गया है। द ब्राइडेड लेंथ ऑफ हेयर ऑफ ओनली वन गोपीज इज हग अप टू हिज वेस्ट। और बच्चे आप पेंटिंग में भी देख सकते हैं, जो ओनली एक गोपीज है, ओनली वन गोपीज है, उसकी जो चोटी बोल सकते, चोटी है, जो हेयर हैं वे ऊपर से नीचे की तरफ कमर तक लटका हुआ दिखाया गया है। आगे देखिए, ऑल द गोपीज हैव वोन एंकलेट्स राउंड देयर एंकल्स। और जो सभी गोपियां हैं
उन्होंने अपने पैरों में पायल पहनी हुई है। देखिए नेक्स्ट, दे हैव वोन ज्वेल्स इवन ऑन देयर हैंड्स एंड ईयर एंड राउंड देयर नेक्स। और जो गोपियां हैं उन सभी गोपियों ने अपने हाथों में, कानों में और नेक यानी गर्दन में, गले में ज्वेलरीज गहने आभूषण पहने हुए हैं। इवन कृष्णा हेयर हैज बीन सोन एज एन ऑर्नामेंटेड प्लेट ऑफ हेयर। और जो कृष्णा है, कृष्णा के जो हेयर हैं उनको भी बड़े सुंदर अलंकृत तरीके से ऊपर की तरफ बांधा हुआ दिखाया गया है। ऑन हिज थ्रोट इज ए कोल्ड ए रूडल कलर्ड क्लॉथ। और बच्चे आप देख सकते हो जो कृष्णा है उसके गले में एक रूडल कलर्ड क्लॉथ, यानी कि रूडल कलर यानी कि जैसा साधु संत लोग कपड़ा पहनते हैं जो गुलाबी ऑरेंज टाइप का होता है, उस तरह का एक क्लॉथ कृष्णा के गले में चारों तरफ लटका हुआ है। एंड बिलो द लोइन और कमर से नीचे ही हैज वोर्न ए येलो कलर्ड धोती। और कमर से नीचे उसने एक येलो कलर की धोती पहनी हुई है। हिज प्लीजिंग टेम्परामेंट हैज बीन प्रेजेंटली वेरी ब्यूटीफुल। और जो उसकी मुद्रा है, जो कृष्णा की मुद्रा है यानी कि पोजिशन है, उसको बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है चित्र में, पेंटिंग में। इन द बैकग्राउंड द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज हैव बीन प्रेजेंटेड वेरी क्लोजली विद द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर। और अब बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि तीन पेड़, तीन वृक्ष दिखाए गए हैं जिनके तने और पत्तियों को बड़े बारीकी से, बड़े सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया गया है। कॉम्बिनेशन है ग्रीन एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन से उनके चित्रण को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इन द फोरग्राउंड ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग के अग्रभाग में द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज बीन शोन बाय द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन ब्राउन एंड येलो कलर। और बच्चे आप देख सकते हो पेंटिंग का जो अग्रभाग है यानी कि फ्रंट पार्ट है, उसको बड़े सुंदर तरीके से ग्रीन ब्राउन और येलो कलर के कॉम्बिनेशन से आर्टिस्ट ने दिखाया है। तो बच्चे इस तरीके से हमने इस पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया है, समझ लिया है। आइए अब हम इस पेंटिंग के आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं और उनकी लाइफ हिस्ट्री को कुछ जानते हैं। देखिए कशितेंद्र नाथ मजूमदार 1891-1975। कशितेंद्र नाथ मजूमदार वाज बोर्न ऑन 31 जुलाई 1891 एट जगताई इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल। बच्चे जो कशितेंद्र नाथ मजूमदार है उनका जन्म वेस्ट बंगाल के जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद के एक, मुर्शिदाबाद में एक प्लेस है जगताई, वहाँ पर 31 जुलाई 1891 को उनका जन्म हुआ। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द वैष्णविज्म ऑफ श्री चैतन्य। और जो श्री चैतन्य हैं, चैतन्य भगवान हैं, उनके वैष्णव धर्म से जो कशितेंद्र नाथ मजूमदार थे बहुत प्रभावित थे। एंड ही ज्वाइन ए ड्रामा ग्रुप ऑफ यात्रा दल ऑफ बिहार एंड ही डिड द वर्क ऑफ स्टेज डेकोरेशन फॉर इट। और उन्होंने क्या किया, एक बिहार का ड्रामा ग्रुप था जिसका नाम है यात्रा दल, उसको ज्वाइन किया और उसके लिए स्टेज डेकोरेशन का काम भी किया। ही गोट द ट्रेनिंग ऑफ सिंगिंग ऑफ श्री कृष्णा लीला फ्रॉम नवदीप ब्रिजवासी। और एक जो सिंगर है नवदीप ब्रिजवासी, उनसे मजूमदार ने कृष्ण लीला से रिलेटेड सिंगिंग की ट्रेनिंग ली, कोचिंग ली। नेक्स्ट देखिए, इन 1905 AD ही बिकेम स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कोलकाता। और 1905 में वे कोलकाता गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट बने। व्हेन ही मेड पेंटिंग इन द स्टाइल ऑफ बंगाल, वेयर ही मेड पेंटिंग इन द स्टाइल ऑफ द
बंगाल आर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ अवनिंद्र नाथ टैगोर, और यहाँ पर रहकर उन्होंने अवनिंद्र नाथ टैगोर के निर्देशन में बंगाल आर्ट को सीखा, पेंटिंग को सीखा। द पेंटिंग्स एंड बाय हिम वर बेस्ड ऑन रिलीजियस डिवोशन एंड इंडियन मिथ्स, और जो उनकी पेंटिंग्स थी, उनके जो टाइटल थे, उनके जो थीम होते थे, वो धार्मिक भक्ति और भारतीय मिथकों पर आधारित होते थे। भारतीय मिथ यानी कि पौराणिक कथाएं, पुरानी स्टोरीज जो होती थी उन पर आधारित होते थे उनके पेंटिंग के थीम्स। फ्रॉम 1912 टू 1930 AD, 1912 से 1930 तक ही वर्क एज ए आर्ट टीचर एंड देन द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता, और 1912 से 1930 तक उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में अध्यापक, कला अध्यापक के रूप में काम किया और एज ए प्रिंसिपल भी काम किया, वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल भी रहे। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1942 टू 1964 AD ही रिमेंड हेड ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, और 1942 से 1964 ईस्वी तक वे दोबारा एक बार फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पर आर्ट फैकल्टी है, आर्ट फैकल्टी ऑफ आर्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वहाँ के चेयरमैन के रूप में भी काम किया, वहाँ के हेड भी रहे। और बच्चे इस तरीके से हमने इस पेंटिंग डिस्क्रिप्शन और आर्टिस्ट के बारे में पढ़ लिया है, समझ लिया है। आप भी इस पेंटिंग को पढ़ें और अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद।